नमस्कार। मेरा आज का विषय है भारत और भारतीयता। भारत जहाँ एक देश है तो भारतीयता उसकी संस्कृति है। चिरकालीन से चली आ रही संस्कृति और मूल ही भारतीयता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देश का शरीर भारत तो उसकी आत्मा भारतीयता है। सत्य और अहिंसा का उपदेश देने वाले, सत्य और अहिंसा का उपदेश देने वाले एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को जपने वाले राष्ट्र की मूल चेतना को ही भारतीयता कहते हैं। अखंड चेतना का पर्याय है भारत, अखंड चेतना का पर्याय है भारत। यह मात्र एक भौगोलिक इकाई नहीं जिसे नदियों, पहाड़ों या समुद्र तटों से परिभाषित किया जा सके। यह संस्कृति सनातन यात्रा का यायावर है। इसे हम आलोक का महापुंज भी कह सकते हैं। भा का अर्थ प्रकाश होता है। भा प्लस रत, यानी प्रकाश में रत, प्रकाश में लवलीन, या यूं कहें कि प्रकाश को अपने में समाया हुआ देश। विश्व में अनेक देश है, बड़े भी, छोटे भी, धनवान भी, गरीब भी, लोकतांत्रिक भी और सामंती भी। फिर भारत की ऐसी क्या विशेषता है जिसे हम एक अलग पहचान दे सके? यह विशेषता है आत्म प्रकाश के चिरंतन वैभव की। यह विशेषता है अंधकार से आलोक की ओर ले जाने वाली। यह विशेषता है नश्वरता से अमरता की ओर ले जाने वाली उसकी अटूट सांस्कृतिक परंपरा की। शताब्दियां बीत गई पर यह पहचान अछड़ रही। परिस्थितियों के झंझावात इसे कभी भी धूमिल नहीं कर सके, ना कभी कर सकेंगे। भारत की आत्मा सनातन है। भारतीयता एक भौगोलिक परिवर्तन की छाया नहीं, एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण है। भारतीयता मानवीयता का निचोड़ है, उसका हृदय मणि है और उसका सिर सावंतस है। चाहे हमारे पुराने ग्रंथों की बात करें और चाहे हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों की, चाहे वर्तमान घटनाक्रमों की, भारतीयता और भारत एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। भारतीयता के मूल में जो भावना या भावनाएं हैं उनसे हमें मानवीय अस्तित्व की नगण्यता और जीवन के प्रति अवज्ञा का पाठ मिलता है। जिसने भी भारत के मूल भावना से खिलवाड़ किया है उसने समझो भारतीयता से खिलवाड़ किया है। अगर हम लोग सच्चे भारतीय हैं तो भारतीयता हमारे रग रग में होनी चाहिए। नदियों के संगम से बना देश हमारा, नदियों के संगम से बना देश हमारा, भाषाओं की विविधता में स्वर रहता एक हमारा। इसे प्रौद्योगिकी की भूमि भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन का स्वर्ग है। पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वीरों की जन्मभूमि है ये, वीरों की जन्मभूमि है ये, वीरांगनाओं की कर्म भूमि है ये विभिन्नता में एकता की महक है। धन्यवाद।